हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको समतल द्विभुज प्रकाश प्राप्त करने की अन्य जो दो विधियां हैं उनके बारे में बताऊंगा, जिसमें आपका एक है द्विगुणकता और दूसरा है पोलराइड। प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय डाइक्रोइज्म। तो द्विगुणकता अर्थ ये होता है कि जैसा आपको पहले बताया गया था कि कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं जिन पर साधारण प्रकाश किरण जब आपतित होती है तो दो अपवर्तित किरणें प्राप्त होती हैं, जिसको हम द्विअपवर्तन की घटना कहते हैं। दोनों ही प्रकाश किरणें समतल द्विभुज होती हैं। इनमें से एक प्रकाश किरण कैल्साइट क्रिस्टल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और दूसरी प्रकाश किरण उससे बाहर निकलती है। तो एक प्रकाश किरण का अवशोषण होना और दूसरी का क्रिस्टल से बाहर निकलना, ये जो क्रिया होती है इसको कहते हैं हम द्विगुणकता। कैल्साइट क्रिस्टल पर आपतित अध्रुवित प्रकाश किरण अपवर्तन द्वारा दो अपवर्तित तरंगों में विभक्त हो जाती है। इनमें से एक प्रकाश किरण का क्रिस्टल द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है तथा दूसरी किरण क्रिस्टल से बाहर निकलती है। जो समतल ध्रुवित होती है क्रिस्टल की इस क्रिया को द्विगुणकता कहते हैं। तथा ऐसे क्रिस्टल को द्विवर्णक कहते हैं।
केस्टर क्रिस्टल पर आपतित अध्रुवित प्रकाश किरण अपवर्तन द्वारा दो अपवर्तित तरंगों में विभक्त हो जाती है। इनमें से एक प्रकाश किरण का क्रिस्टल द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है तथा दूसरी किरण क्रिस्टल से बाहर निकलती है जो समतल द्रवित होती है। क्रिस्टल की इस क्रिया को द्विवर्णकता कहते हैं तथा ऐसे क्रिस्टल को द्विवर्णक कहते हैं। तो अब इसमें से कौन सी किरण बाहर निकलती है और कौन सी इसके अंदर रहती है? तो जैसे आपके पास ये क्रिस्टल है, सपोज करिए ये क्रिस्टल है और इस पर ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है, तो इस किरण के अंदर दोनों तरह के वाइब्रेशंस होते हैं। इस तरीके एरो और डॉट। अब ये जब क्रिस्टल पर आपतित होती है तो इसके अंदर दोनों प्रकार के ही वाइब्रेशंस है। अब ये जब क्रिस्टल से बाहर निकलती है तो इसमें केवल डॉट वाइब्रेशंस होते हैं। ये निर्गत किरण, तो यानी इसमें क्या जो ओ किरण होती है वो क्रिस्टल से बाहर निकलती है, ई किरण का इसमें अवशोषण होता है, ये है ओ किरण। तो जिसमें क्रिस्टल है वो ई किरण का अवशोषण करता है और ओ किरण को बाहर जाने देता है, यानी इसमें जो कंपन है केवल वही बाहर निकलेंगे जो इसके तल के समानांतर होंगे और जो इसके लंबवत होंगे वो इसमें से नहीं निकलेंगे। तो द्विवर्णकता में ई किरण का अवशोषण होता है तथा ओ किरण निर्गत किरण होती है। तो ये जो क्रिया है इसको हम द्विवर्णकता कहते हैं, और क्रिस्टल जो होते हैं वो द्विवर्णक कहते हैं। आइसलैंड इस बार भी इसी तरीके से क्रिस्टल है इसके अंदर। और मैं आपको इसमें आगे बता रहा हूं, पोलेरॉइड वो इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। ये जो पोलराइड है वो द्विवर्णकता के सिद्धांत पर आधारित है। इनका सिद्धांत क्या है? सिद्धांत पोलराइड द्विवर्णकता के सिद्धांत पर आधारित है। जब पोलेरॉइड पर अध्रुवित प्रकाश किरण आपतित होती है
तो दो अपवर्तित प्रकाश किरण प्राप्त होती हैं, जिनमें से एक प्रकाश किरण का पॉलिरॉइड द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है तथा दूसरी किरण पॉलिरॉइड से बाहर निकलती है। जो समतल ध्रुवित होती है। ये तो आपने सिद्धांत बता दिया, जो डायक्रिज्म का सिद्धांत है वही इसका है। जो इसमें तो इसमें यही है कि इसमें से एक जो अपवर्तित किरण होती है अवशोषित हो जाती है, दूसरी इससे बाहर निकलती है इसमें से। तो ये अब वो इसकी हम देखें तो पोलराइड होता क्या है, ये एक सस्ती व्यापारिक विधि है जिसके द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जाता है। पोलराइड की परिभाषा क्या है? पोलराइड समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की सस्ती व्यापारिक विधि है। ये परिभाषा है पोलराइड की। पोलराइड समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की सस्ती व्यापारिक विधि है। इन कमर्शियल लेवल पर इसे समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जाता है। अब इस पोलराइड की संरचना क्या होती है, कैसे इसको बनाया जाता है? इसमें कुछ ऐसे क्रिस्टल होते हैं जो डाइक्रोइक होते हैं, जिनमें द्विवर्णकता का गुण पाया जाता है, जो सामान्यतः आयोडोसल्फेट ऑफ क्विनीन या फिर अल्पथार्मिक क्रिस्टल होते हैं। संरचना के लिए या फिर आप इसको बनावट के लिए इसमें नाइट्रो सेलुलोज की फिल्म होती है जिस पर
appetite, yeah. I do. Sulfate of quinine. की क्रिस्टल की सूक्ष्म क्रिस्टल इस प्रकार फैलाए जाते हैं कि उनके प्रकाशिक अक्ष एक दूसरे के समांतर समांतर इस फिल्म को कांच की दो पतली पट्टियों के बीच में रख दिया जाता है इस प्रकार बनी युक्ति को पॉलीरॉइड कहते हैं और जो इसमें हर्पेथाइड या आयोडोसल्फेट ऑफ क्विनिन के जो क्रिस्टल होते हैं ये द्विवर्णक होते हैं हर्पेथाइड या आयोडोसल्फेट ऑफ क्विनिन की क्रिस्टल द्विवर्णक होती है इसीलिए इन क्रिस्टलों को हम यूज करते हैं क्योंकि द्विवर्णक क्रिस्टल ही ये समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं इसलिए हम इनमें अन्य प्रकार के किसी भी क्रिस्टल को नहीं रख सकते आयोडोसल्फेट या हर्पेथाइड के जो क्रिस्टल होते हैं वो द्विवर्णक होते हैं तो ये एक आपतित किरण होगी उसका अवशोषण करेंगे और दूसरी को ये बाहर जाने देंगे पॉलीरॉइड की क्रिया कार्यविधि यानी पॉलीरॉइड किस तरीके से कार्य करता है तो यह सपोज कर लीजिए कि भाई इसमें आपके पास ये पॉलीरॉइड है ये इसमें इसकी
और इस पर जो क्रिस्टल होती है वो इस तरीके से होती है। ये इस तरीके से ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये क्रिस्टलों के प्रकाशिक अक्ष और ये इसका फ्रेम है जिसके अंदर कि हमने उसको रख दिया गया है, फिल्म को रख दिया गया है। इसके अंदर ऐसे रखे हैं कैसे किस में रखे जाए लेकिन ये इनके प्रकाशिक अक्ष सभी समांतर होने चाहिए। अब इस पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है यहां से तो जैसे ये प्रकाश किरण है ये अद्रव्य प्रकाश किरण है। अब इससे वही कंपन पहाड़ निकलेंगे जो इन प्रकाशिक अक्षों के समांतर होंगे। तो क्या होता है जैसे ये एरो वाइब्रेशन से ये इसके समानांतर है तो यहां पर जो प्रकाश किरण होगी वो उसमें सिर्फ एरो वाइब्रेशन होगा। ये तो अद्रव्य है अद्रव्य प्रकाश, ये है समतल द्रव्य प्रकाश। ये है इसमें पोलेराइड, ये पोलेराइड पोलेराइड। तो अब इसे जो निर्गत प्रकाश किरण है वो समतल द्रव्य है क्योंकि इसने डॉट जो वाइब्रेशन थे वो रोक दिए सारे। तो ये क्या होती है ये पूरी जो फिल्म होती है फिल्टर का काम करती है। यानी आपके पास दो कंपन है एक एरो और दूसरे डॉट, इन दोनों में से आपको एक कंपन को रोकना है दूसरे को जाने देना है। एक कंपन रुक गया तो इसके अंदर दूसरा कंपन बाहर निकला तो निश्चित रूप से वो तरंग जो होती वो समतल द्रवित होगी इसमें। जब पोलेरॉइड पर ध्रुवित प्रकाश आपतित होता है तो पॉलीरॉइड से विद्युत सदिश के पोलेराइड के विद्युत सदिश के वे कंपन बाहर निकलते हैं जो प्रकाशित अक्ष के समांतर होंगे और जो समांतर नहीं होते हैं वो रुक जाते हैं। पोलराइड से विद्युत सदिश के वे कंपन बाहर निकलते हैं तो प्रकाश के अक्ष के समांतर होंगे तथा दूसरे कंपन रोक लिए जाते हैं। इस तरह से पोलराइड एक फिल्टर का काम करता है। इस प्रकार पोलेराइड एक फिल्टर का कार्य करता है।
कभी से जो निर्गत प्रकाश होता है वो सदैव शुद्ध निर्गत होता है। तो ये इसकी कार्यविधि आप इसमें देख रहे हैं, चित्र मैंने आपको दिखाया है, केवल एरो वाइब्रेशंस ही इससे बाहर निकल रहे हैं, डॉट वाइब्रेशंस नहीं निकल रहे। अब मान लो हम इस पोलराइड को इसकी क्रॉस पोजीशन के अंदर लगा दें, यानी प्रकाश का किसी इस तरीके से हो, तो इसमें से डॉट वाइब्रेशन से बाहर निकलेंगे, एरो नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि एरो को ये रोक देगा। तो जो इस तरह से प्रकाश का अक्ष होता है, तो जो इसके समांतर होते हैं वो इससे बाहर निकलते हैं, और जो इस तरह से क्रॉस पोजिशन में होते हैं वो इसके द्वारा रोक लिए जाते हैं। पॉलीरॉइड से निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित होता है। तो इसे कभी भी अनंत प्रकाश प्राप्त नहीं होता, इसलिए कमर्शियल लेवल पर हम इसका यूज करते हैं। तो इस पोलराइड का उपयोग क्या है? उपयोग में है इसका नंबर वन, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना, दूसरा है तो समुद्र प्रकाश प्राप्त करते समय ध्रुवक के रूप में यूज करते हैं, पॉलीरॉइड। ध्रुवक तथा विश्लेषक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी कि इसके पोलराइड को आप विश्लेषक की जैसे एनालाइजर भी ऐसे यूज कर सकते हैं। आपको यह देखना है कि भाई जो प्रकाश इससे बाहर निकल रहा है ये ध्रुवित हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हम एक और पोलराइड इसके आगे लगा देते हैं और उस पोलराइड को इस आपतित जो प्रकाश निर्गत प्रकाश किरण होती है उसके चारों तरफ से रोटेट किया जाता है। रोटेट करने से अगर उसके प्रकाश निर्गत प्रकाश विश्लेषक जो प्रकाश निर्गत होता है अगर उसकी तीव्रता में परिवर्तन आता है तो इसका मतलब प्रकाश ध्रुवित है, और तीव्रता परिवर्तन नहीं आता है तो इसका मतलब उसमें प्रकाश का ध्रुवण नहीं हुआ है। तीसरा है इसका 3D फिल्म देखने के लिए पॉलीरॉइड्स की चश्मे प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी इसमें क्या जो चश्मा होता है उसमें पोलराइड की फिल्म लगा दी जाती है, तो पोलराइड की फिल्म तो लगा देंगे तो इसके अंदर फिर ये क्या है कि आप 3D जो फिल्म होती है उनको देख सकते हैं, और अगर आप इन्हें खुली आंखों से आप इनको देखेंगे तो आपको ये फिल्म दिखाई नहीं देगी। जो ये तो 3D फिल्म को देखने के लिए हमेशा पोलराइड का यूज किया जाता है। चौथा, जो बड़े बड़े जो वाहन होती है जैसे ट्रक है बस है या हवाई जहाज वगैरह है, तो उनकी जो हेडलाइट होती है उनमें पोलराइड लगा दिए जाते हैं, जिससे कि उसका चकाचौंध जो होता है वो सामने वाले वाहन के ड्राइवर पर न पड़े। ट्रक
बस आदि कार आदि वाहनों की हेडलाइट्स में पोलेराइट प्रयुक्त करने पर सामने वाहन के ड्राइवर ड्राइवर को चकाचौंध नहीं लगता है। तो इससे क्या होता है, अगर चकाचौंध लगेगा तो क्या होगा, ड्राइवर को दिखाई नहीं देगा आगे, दिखाई नहीं देगा तो वाहनों के आपस में टक्कर भी हो सकती है। इसे बचाने के लिए उसमें पोलेराइड का लगा देते हैं। कभी कभार ये जो बाहर जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर के सामने जो शीशा होता है, उस शीशे पर एक पोलेराइड की फिल्म लगा देते हैं। तो पोलेराइड की फिल्म लगाई जाती है, वो इसीलिए लगाई जाती है कि सामने से अगर कोई वाहन आ रहा है तो उसकी हेडलाइट सड़क से परावर्तित होकर के जब समतल ध्रुवित होती है तो उसमें चमक बहुत तेज होती है, और चमक बहुत तेज होने के कारण मतलब उसको चकाचौंध लगता है ड्राइवर को। तो जो सामने वाला जो ड्राइवर है वो देख नहीं पाता है कि आगे वाहन की स्थिति क्या है। इसी स्थिति में दोनों वाहनों के टकराने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर हम पोलेराइड लगा देंगे तो वो क्या करेगा, क्योंकि प्रकाश जो आ रहा है वो ध्रुवित प्रकाश आ रहा है, तो उसके सामने जो शीशा लगा हुआ है उस पर अगर हम पोलेराइड लगा देंगे तो वो उसको रोक देगा तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अब इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो आराम से देख सकता है कि भाई आगे वाला वाहन की स्थिति क्या है, तो फिर उसके टकराने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो सामने वाहन के सामने वाले वाहन के ड्राइवर को चकाचौंध नहीं लगता है, जिससे वाहनों के टकराने की संभावना कम हो जाती है। तो इस तरीके से इसके जो एरोप्लेन होते हैं उनमें भी यही होता है, जो पायलट होता है उसके ठीक सामने वाला जो कांच होता है उसमें ये लगा दिया जाता है, तो सामने वाला अगर कोई एरोप्लेन आता है तो उससे उसका चकाचौंध उसको नहीं लगता है। तो ये इसके कुछ उपयोग हैं, इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे उपयोग हैं। तो पोलेराइड का एक कमर्शियल लेवल पर इसका यूज किया जाता है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। Thank you.